हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूं और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिसकैरेज कब कहते हैं, क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और अगर आपको पहले कभी अपनी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ है तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि एक्चुअली ये मिसकैरेज होता क्या है। तो मिसकैरेज एक मेडिकल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जब भी हमारी प्रेगनेंसी अगर 5वें महीने से पहले, यानी कि 20वें हफ्ते से पहले ही जो शिशु है गर्भ में, जो शिशु पल रहा है, वो किसी भी रीज़न से ख़त्म हो जाता है तो हम उसको मिसकैरेज कहते हैं। 20 हफ्ते के बाद अगर किसी भी वजह से शिशु का विकास नहीं हो पाता या शिशु की मृत्यु हो जाती है पेट में, तो उसको मिसकैरेज नहीं कहते हैं। मिसकैरेज केवल 20 हफ्ते से पहले के शिशु के लिए इस्तेमाल होता है टर्म। तो यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि जितनी भी प्रेगनेंसीज लगती हैं उनमें से 15 से 20% जो प्रेगनेंसीज हैं वो मिसकैरेज में कन्वर्ट होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो तो आपको पूरे 9 महीने तक बेबी का विकास होगा और आपकी डिलीवरी होगी। अगर आपको एक बार या दो बार मिसकैरेज हो जाता है तो वो एकदम नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 15 से 20% जैसा कि मैंने कहा प्रेगनेंसीज मिसकैरेज हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपका मिसकैरेज हुआ है एक बार या दो बार तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए या इन्वेस्टिगेशंस आपके करवाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ होती है। अगर आपका दो या तीन बार से ज़्यादा अगर मिसकैरेज होता है तो फिर हम आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि फिर ये सजेस्ट करता है कि आपके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है जो मिसकैरेज करवा रहा है। लेकिन एक बार या दो बार मिसकैरेज के लिए आपको और ज़्यादा जांचें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है। मिसकैरेज में भी ये देखा गया है कि शुरुआती 3 महीने में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लगभग 80% जो मिसकैरेजेस होती हैं वो शुरुआती 3 महीने में ही हो जाती हैं। उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि बेबी जो है वो अबॉर्ट होगा या उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो बात करते हैं कि मिसकैरेज के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मिसकैरेज में जैसा कि आपको पीरियड्स में पेन होता है, वैसा सिवियर पेन, क्रैम्पिंग पेन हो सकता है निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में या फिर पेट के निचले हिस्से में। आपको उसके साथ साथ हैवी ब्लीडिंग या हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉट्स निकल सकते हैं, वजाइना में से हल्के गुलाबी रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा आपको थकान, वीकनेस या फिर आपको हल्का बुखार, ये सब रह सकता है। आपने जो प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स डेवलप हुए थे, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी आना या छाती में भारीपन, ये सब सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि बेबी अंदर ग्रो नहीं कर रहा है तो ये सारे सिम्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी सिम्टम आता है, ब्लीडिंग और पेन स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ये से कोई भी सिम्टम आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। तो मिसकैरेज के रीजंस या कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि मिसकैरेज के जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। बच्चे में जैसे बच्चे का डिवीजन होता है, उसका सेल डिवीजन होता है, उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम, कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता और उस वो अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मदर की कोई बीमारी हो या कुछ और रीज़न हो जिसकी वजह से बच्चे का विकास नहीं हुआ है या मिसकैरेज हो गया है। मोस्टली ये जेनेटिक होता है, लेकिन जेनेटिक के अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शन, मदर में कोई इन्फेक्शन हो गया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर उनको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम है जो कंट्रोल्ड नहीं है, थायराइड है या अन्य कोई और दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन वो किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं, कोई अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करती हैं, कोई दूसरा उनको ड्रग चल रहा है किसी और बीमारी के लिए, दिमाग की बीमारी के लिए या फिर हार्ट डिजीज़ के लिए, कोई भी और टाइप का कुछ
आपको दवाई चल रही है जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए ये सब ज़रूरी रहता है कि अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही डॉक्टर से मिलिए, ताकि वो आपको करेक्ट टाइम बता सकें कि आपको कब कंसीव करना है। अगर आप अनकंट्रोल्ड आपके मेडिकल इलनेसेस अनकंट्रोल्ड हैं, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है दवाइयों के, आप दवाई लेते नहीं हैं उनके लिए, तो उस कंडीशन में अगर आप कंसीव करोगे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका मिसकैरेज हो जाए। तो इसीलिए अगर आपका शुगर लेवल्स या बीपी या थायराइड ये सब कंट्रोल में नहीं है, तो पहले ये सलाह दी जाती है कि पहले आप उनको कंट्रोल में लेके आइए और फिर आप कंसीव करने का प्लानिंग कीजिए, क्योंकि इससे आपके मिसकैरेज के रेट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इन सब रीजंस के अलावा अगर बच्चेदानी में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, या फाइब्रॉइड हो गया, सेप्टम हो गया, या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल इनसफिशियंसी, हम कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो बंद नहीं रह पाता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है उसका रास्ता अपने आप खुलने लगता है, ढीला होने लगता है और टाइम से पहले जो है डिलीवरी हो जाती है, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं मिसकैरेजेस के। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर को जाके मिलिए और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए। अब मिसकैरेजेस के कुछ टाइप्स होती हैं, जो मोस्ट कॉमन है उसमें सबसे पहले होता है थ्रेटेंड मिसकैरेज। थ्रेटेंड मिसकैरेज या थ्रेटेंड अबॉर्शन जो होते हैं वो हम तब टर्म यूज़ करते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी अंदर एडवांस हो रही है, आप बेबी ग्रो कर रहा है, बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी चलते चलते आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, हल्की से लेके हैवी ब्लीडिंग कुछ भी हो सकती है, और आपको हल्के हल्के नीचे पेट में दर्द भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उसको हम थ्रेटेंड यानी कि खतरे का संकेत हम उसको कहते हैं कि वो आगे चल के कंप्लीट अबॉर्शन हो सकता है, तो हमें उसमें कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी होती हैं, कुछ इंजेक्शन स्टार्ट करने होते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम डेवलप होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाके चेक करवाइए। दूसरा कॉमन टाइप होता है इनएविटेबल अबॉर्शन या इनएविटेबल मिसकैरेज, जिसमें पेन ब्लीडिंग के साथ साथ आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलने लग जाता है, सर्विक्स डायलेट होने लग जाता है। इनएविटेबल जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि अब इसको प्रोग्रेस होने से हम रोक नहीं सकते, आप इंजेक्शंस या दवाइयों से इसको प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगे और अबॉर्शन की प्रोसेस अब चालू हो गई है। तीसरा जो टाइप है वो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, जिसमें कुछ पार्ट बेबी का जो है कुछ पार्ट एक्सपेल हो गया है, लेकिन अभी कुछ टिश्यू अंदर रह गया है, अपनी तरफ से बॉडी पूरा एक्सपेल आउट नहीं कर पाई है, तो जो प्रोसेस हुआ है ये अबॉर्शन का वो इनकम्प्लीट रह गया है, तो हम उसको इनकम्प्लीट मिसकैरेज या इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। तो जब भी आपको इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है तो आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, आपको या तो रुक रुक के ब्लीडिंग होती रहती है या हैवी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जब तक अंदर से पूरा प्रोडक्ट जो साफ़ नहीं होंगे, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो भी आपने कंसीव किया उसमें जो भी फीटस का पार्ट बना, जो प्लेसेंटा बना, जब तक वो पूरा एक्सपेल आउट नहीं होगा आपको ब्लीडिंग चलती रहेगी, तो इसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। और इस कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, वो आपको चेक करके सोनोग्राफी करके एक डायग्नोसिस बनाते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपको अंदर कुछ कितना टिश्यू रह गया है, वो दवाइयों से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, आपको डीएनसी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी, वो सब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टाइप है होता है मिस्ड अबॉर्शन या मिस्ड मिसकैरेज, जिसमें एम्ब्रियो है अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है और ग्रो नहीं करती, प्रेगनेंसी एडवांस नहीं हो रही है, लेकिन सारे टिश्यू जो हैं वो अंदर ही हैं, अभी बच्चेदानी के अंदर है। तो मिस्ड अबॉर्शन में जनरली आपको ज़रूरत पड़ती है, ये सोनोग्राफी पे यूजुअली डायग्नोस होता है, आपके सिम्टम्स या तो आपके सिम्टम्स विड्रॉ होने लगते हैं, आपके जो भी प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं टाइम के साथ, और सोनोग्राफी पे इस चीज़ का हमको पता चलता है, जब आप रूटीन सोनोग्राफी के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, बच्चे की धड़कन नहीं आई होती है, फिर आपको फॉलो अप स्कैंस के लिए हम बोलते हैं कि अब हफ्ते भर बाद या दो हफ्ते बाद आप रिपीट सोनोग्राफी कराइए, उसमें भी अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है या उसकी धड़कन नहीं बन रही है तो जनरली हम उसको फिर मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड अबॉर्शन में जनरली क्योंकि सारा टिश्यू अंदर ही रहता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो इसमें आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स
दवाइयों से आपको थोड़ा सा पेन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बच्चेदाने में जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आए वो जो भी अंदर उसका टिश्यू है वो बाहर निकालने की कोशिश करें, और दवाइयाँ अगर फेल हो जाती हैं तो फिर आपको सफाई की सलाह दी जाती है। लास्ट टाइप होता है इसमें कंप्लीट मिसकैरेज, जहाँ पे आपका जो भी टिश्यू था, जो भी अंदर प्रोडक्ट थे, वो सारे अपने आप से बाहर निकल चुके हैं, आपकी पेन ब्लीडिंग कम हो गई है और आपके जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स जो है वो बंद हो गया है, वापस सारे प्रोडक्ट्स निकाल के वापस से बंद हो गया है, बच्चेदानी अंदर से एकदम साफ है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ और आगे करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, धीरे धीरे करके दो से तीन दिन में, चार दिन में आपकी ब्लीडिंग और कम होते होते स्टॉप हो जाती है और आपको दूसरी कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। तो जब भी आपका मिसकैरेज के साइन सिम्टम्स होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका एक पेल्विक एग्जामिनेशन यानी कि पीवीए करके देखते हैं, नीचे से बच्चेदानी के मुंह की जांच करते हैं कि वो रास्ता खुलने लगा है, कि सर्विक्स डायलेट होने लगा है कि नहीं होने लगा है, उससे एक आइडिया लगता है, जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ मिसकैरेज में कि कौन से टाइप का है, ये रुक सकती है कि नहीं रुक सकती है, इसके लिए दवाई देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है। इसके अलावा एक सोनोग्राफी हम एडवाइस करते हैं, उससे बेबी का अंदर का स्टेटस पता चलता है कि उसकी धड़कन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर तो कहीं ब्लीडिंग नहीं है, जिसको हम सब कोरियोनिक ब्लीडिंग हैमरेज बोलते हैं। इसके अलावा आपको अगर रिक्वायरमेंट लगती है आपका ब्लड ग्रुप, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल, ये सारे टेस्ट करवाने कभी कभार ज़रूरी हो जाते हैं अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई है। इसके अलावा अगर आपके दो या दो से ज़्यादा बार मिसकैरेजेस हुए हैं तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप अपने क्रोमोसोम, जो भी बेबी का प्रोडक्ट जो निकलता है, जो भी टिश्यू आप एक्सपेल करते हैं, तो उसका आप टेस्ट करवाएं, कैरियोटाइपिंग करवाएं, ताकि उसमें एक आइडिया लग सके कि किस टाइप का जेनेटिक प्रॉब्लम रहा होगा बेबी में, कुछ आगे फ्यूचर प्रेगनेंसीज में ये रिपीट होने के चांसेस हैं कि नहीं है, तो ये सब चीज़ों का आइडिया लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि मिसकैरेज का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15-20% जो प्रेगनेंसीज हैं वो अबॉर्ट होती हैं, उसमें मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका एक या दो बार मिसकैरेज हुआ है तो वो एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर की जाती है, आपको उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए आपको मिसकैरेजेस हुए हैं, तो इन सब कंडीशंस में आपको अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लगभग 85% जो प्रेगनेंसीज आपको अगर दोबारा कंसीव करते हो, तो 85% पेशेंट्स में जिनको पहले मिसकैरेजेस हुए हैं उनको आराम से नॉर्मल हेल्दी बेबीज होते हैं सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में। तो इसीलिए एक या दो बार अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सिर्फ 1-2% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको बार बार रिपीटेडली अबॉर्शन हो रहे हैं, जिनको दो बार से ज़्यादा बार अबॉर्शन हो गए हैं, तो सिर्फ उन कंडीशन में ही, उन्हीं लोगों में हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टिगेशंस कराइए, आपके क्या रीजंस हैं वो फाइंड आउट करिए, क्योंकि फिर वो फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर आपको कुछ मेडिकल डिसऑर्डर है तो वो जब तक ठीक नहीं होगा तो आपकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज भी अबॉर्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपके दो बार से ज़्यादा अबॉर्शन हुए तो ही आप इन्वेस्टिगेट कराइए। तो जब आप इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि आपके अबॉर्शंस के रीज़न क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे आपका बीपी, शुगर, थायराइड या कोई और हार्मोन की प्रॉब्लम है, या फिर आपके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों का उसके हिसाब से ही इलाज होता है। जब आपके सब मेडिकल डिसऑर्डर्स कंट्रोल हो जाते हैं तब हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अब बेबी प्लान कर सकते हो। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड हैं जिसकी वजह से आपको अबॉर्शन हो रहे हैं, या सेप्टम है अंदर, तो उसके लिए हम सर्जरी एडवाइस करते हैं कि आप पहले इनको निकलवाइए और फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करिए। सिमिलरली अगर आपके सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, जैसे कि मैंने रीजंस में समझाया था कि बच्चेदानी का मुँह बंद नहीं हो पाता है, वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है वो रास्ता खुलने लगता है और आपका टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो उन कंडीशंस में भी तीसरे महीने पे एक टांका लगता है, बच्चेदानी के मुंह पे टांके लगते हैं, जिसको फिर हम 9वें महीने पे, या फिर जब भी आपके लेबर के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम उन टांकों को काट देते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि आपकी अगर मिसकैरेज हो गई है इस प्रेगनेंसी में, तो आपको नेक्स्ट टाइम कब प्लान करना चाहिए, कब आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए बेबी के लिए। तो जैसा कि मैंने समझाया
अगर आपको दो बार से ज़्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं तो आपको अभी प्लान नहीं करना है। पहले आपको अपना कॉज फाइंड आउट करना है कि आपको मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर जब आपका रीज़न समझ में आ जाता है तो फिर आपको प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक बार ही मिसकैरेज हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है या सेकेंड टाइम हुआ है, तो फिर आप एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप लेके चलिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट मिसकैरेज हुआ है नेक्स्ट मंथ आप फिर प्रेग्नेंट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। आपके यूट्रस को, बच्चेदानी को दोबारा से वापस अपना नॉर्मल फॉर्म में आने में, आपके हॉर्मोन्स को नॉर्मल सेट होने में, सब चीज़ों में वापस टाइम लगता है। बॉडी को रिकवरी में, आपका जो भी आपको वीकनेस आई है उससे आपको वापस रिकवर होने में इतना टाइम एटलीस्ट आपको देना चाहिए अपनी बॉडी को। इसीलिए 3 महीने का गैप एटलीस्ट लेके चलिए कि 3 मंथ से पहले आपको कंसीव का ट्राई नहीं करना है। इस दौरान आप कुछ गर्भ निरोधक गोलियां यूज़ कर सकती हैं या कुछ और तरीके, अगर आपको किसी और चीज़ से आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है 3 महीने से पहले। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो आपको महीने भर पहले एक फॉलिक एसिड की गोली, मल्टीविटामिन्स, ये सब स्टार्ट करते हैं ताकि आपका फ्यूचर जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो दोबारा से मिसकैरेज में ना कन्वर्ट हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब भी प्लान करते हो उसी टाइम पे आप डॉक्टर से मिलिए, ऐसा नहीं कि आप कंसीव करने के बाद जाइए। सब कुछ आजकल चेंज हो रहा है आज के सिनेरियो में, तो आजकल हम कंसेप्शन से पहले ही आपको एडवाइस करते हैं कि आप महीने भर पहले ही मल्टीविटामिन्स अपने लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कंसीव कर जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करते हैं ताकि आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले कुछ दिनों तक। आपको पहले हिस्ट्री है मिसकैरेज की तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट रहें, थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें और दोबारा अपना प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना हो। इसलिए कुछ दवाइयां हैं जो डॉक्टर आपको टाइम कंसेप्शन से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको लेना चाहिए आपके नेक्स्ट कंसेप्शन में। तो बात करते हैं कि अगर पहले प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुए हैं और तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोबारा हमारा मिसकैरेज ना हो। तो इसमें सबसे पहले होता है कि अगर आपके 2 बार से ज़्यादा मिसकैरेज हुए हैं तो पहले उसका कारण ढूंढिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। लेकिन अगर 1 या 2 बार ही हुआ है तो उसमें आपको 3 महीने का गैप देना है, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। उसमें भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। वो आपको कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, वो आपको लेना स्टार्ट करना होता है। इसके अलावा आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत अंडरवेट है तो आपको उसको कंट्रोल में करना है। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर बहुत अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको लिमिट करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मिसकैरेज होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और अगर आपको पहले प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ है तो नेक्स्ट में ना हो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।